आशा बहू तथा संविदा कर्मियों का लगातार चार दिनों से कामकाज ठप कर सीएमओ कार्यालय के सामने आंदोलन जारी। आज चौथे दिन बलरामपुर सदर विधायक पलटू राम, तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला आशाओं तथा स्वास्थ्य संविदा कर्मियों को मनाने के लिए सीएमओ कार्यालय परिसर में पहुंचे, जहां पर आशा बहुओं तथा स्वास्थ्य संविदा कर्मियों की मांगों को लेकर सदन में बात उठाने की बात कहते हुए आंदोलन को बंद करने का निवेदन किया, किंतु विफल रहे। आंदोलनकारी महिला पुरुषों ने कहा, बलरामपुर अभी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके मामले को सदन में उठाएंगे, ये केंद्र का मामला है, ये राज्य का मामला नहीं है, और आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, आपकी जायज मांगे हैं, तो आप लोग अपना आंदोलन बंद करने जा रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बंद करेंगे। हम लोग, सांसद जी ने हम लोगों की बातें ही नहीं सुनी, हम लोगों का कोई बात ही नहीं की। हम लोग जो 75 रुपए में नौकरी करते हैं, पोलियो करते हैं, एमआर करते हैं, टीकाकरण करते हैं, 75 रुपए में, हमको 75 रुपए नहीं चाहिए, हमको हमारा मानदेय चाहिए, हमको राज्य कर्मकारी का दर्जा चाहिए। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती तब तक आंदोलन चालू रहेगी। नहीं, विधायक पलटू राम जी ने अभी आपको आश्वासन दिया, तो आप लोगों को आश्वासन? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग आश्वासन बहुत दिनों से देख रहे हैं, लेकिन हमको इस बार आश्वासन नहीं, हमको मानदेय चाहिए और हमारा, हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए। हमारी सारी आशा बहनें इतना मेहनत करती हैं, 75 रुपए में हमको नहीं करना है, हमको हमारा मानदेय दिया जाए। जब तक मानदेय नहीं दिया जाता, जब तक मानदेय नहीं मिलेगी, हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग हड़ताल पे हैं, कोई काम नहीं करेंगे। संविदा कर्मचारी संघ के द्वारा, जनपद बलरामपुर शाखा के द्वारा 21 तारीख से अनवरत इन लोगों का संयुक्त चिकित्सालय परिसर में चिकित्साधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन चल रहा है। इन लोगों की विभिन्न प्रकार की मांगे हैं। इनकी मांग है कि हमको समान कार्य समान वेतन के रूप में हमको माना जाए, और जो अकारण उच्चाधिकारियों द्वारा इनको बिना कारण बताए सेवा से निकाल दिया जाता है, इसकी भी इनकी मांग है। इनकी सारी मांगों को लेकर के हम और माननीय विधायक कैलाश नाथ शुक्ला जी, हमारे तुलसीपुर के विधायक, हम लोगों ने इनको आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय धर्मपुर योगी आदित्यनाथ जी को और उनके द्वारा केंद्र सरकार से चूंकि संचालित एनएचएम की योजना है, वही से गवर्न होती है, इसलिए माननीय सांसद जी भी हमारे इस स्थल पर आ रहे हैं, और उनके माध्यम से जो केंद्र सरकार से संबंधित समस्या होगी, उस समस्या का समाधान हम केंद्र सरकार से कराएंगे, और जो प्रदेश सरकार से संबंधित होगी वो प्रदेश सरकार से समस्या का समाधान कराएंगे। इसी कार्यक्रम में हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं, और हम लोगों ने अपने सभी आशा बहनों से और स्वास्थ्य हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं, महिला के रूप में, पुरुष के रूप में, सबसे हमने अनुरोध किया है कि अब आप लोग जो है इस प्रखंड में अपने धरना और प्रदर्शन को खत्म करके और पुनः आप अपनी सरकारी सेवा में जाएं, और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से पूरी